हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक पॉइंट, जी हाँ, जो कि लिस्ट होने वाला है OKX, FTX, गेट आईओ, कूकॉइन, बाइनेंस और होबी के, होबी ने भी इसको फॉलो किया हो इसके ट्विटर पर, ये होबी भी लिस्ट होगा। जैसा आपको याद होगा GRT टोकन, जो इंस्टेंटली एक ही दिन में काफ़ी सारे मेजर एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो रहा था, सेम ऐसे ही। पर क्या आप इसके अंदर ट्रेडिंग लेके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं या नहीं, या आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी एक्सचेंज पर लिस्टिंग कल की डेट की भी है। तो हम कोशिश करेंगे आज के दिन इसके अंदर एंट्री लेने की और कितना प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं, कितना तक ये जा सकता है, सारी चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले। चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएगा। सीधा लेकर चलता हूं आपको अपडेट के ऊपर। ये देखिए, एप कॉइन 62.7K फॉलोअर्स ने फॉलो किया, होबी ने भी इसको फॉलो किया हुआ है। अब चलते हैं इनकी ट्वीट्स एंड रिप्लाइज पे, पहले हम देख लेते हैं, चलते हैं ज़्यादा। मैं आपको एनिमो का ब्रांड ने भी इसको फॉलो किया हुआ, इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस दिखाई दे रहा है आपको। देखिए OKX भी इसको लिस्ट कर रहा, डिपॉजिट तो लाइव हो भी चुके हैं इसके, ठीक है। और न्यू लिस्टिंग है एप कॉइन की 2 AM मार्च 17 UTC, यानी कि 2 AM, यानी कि इसकी तो ट्रेडिंग स्टार्ट भी हो चुकी है। ओके, यहाँ पे इनके आर्टिकल के अंदर इन्होंने दिया हुआ है डिपॉजिट कब स्टार्ट होने वाले, 9:30 PM UTC, यानी कि रात को, ठीक है, 16 मार्च को, यानी कि 17 को इसकी डेट लग जाएगी, ठीक है। और स्पॉट ट्रेडिंग विल ओपन वंस द डिपॉजिट मीट द मिनिमम लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। खैर अभी देखो कब तक होती है विड्रॉल, ये कल के दिन स्टार्ट होंगे 1:30 बजे 2 बजे के आसपास। तो OKX की बात ही, अब हम चलते हैं FTX पर, ठीक है। FTX पर भी ये लिस्ट कर रहे हैं, मैं चलता हूँ थोड़ा सा और नीचे, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने पर आप इसको बाय कर सकते हो, कहां पर आप इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पूरी देखिएगा दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूं, ज़्यादा नहीं, आपको पहले कुछ अपडेट देने की कोशिश करूंगा। बाइनेंस US भी इसको लिस्ट करने जा रहे हैं कल के दिन, ठीक है, 8 घंटे पहले की खबर है। कल के दिन बाइनेंस पर भी लिस्ट हो रहा, 18 तारीख को, आज 17 तारीख है। और मैं आपको कुछ, आपको खास अपडेट देने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर आप इसको फैसला कर सकते हो कि आपको इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। इस वीडियो में आपको जो भी बताया जा रहा है कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, आप अपने रिस्क एंड पोस्ट पर इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। 17 मार्च को इसके डिपॉजिट ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाली है क्रैकन एक्सचेंज के ऊपर भी, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा और नीचे, और चलते हैं FTX एक्सचेंज पर भी। देखिए 17 मार्च को 12:30 PM, यानी कि ये समझ लीजिए शाम को 6 बजे इसके अंदर आपकी ट्रेडिंग शुरू होगी आज के दिन FTX पर। तो मैं इसको FTX पे बाय करूंगा, ठीक है। अभी होबी ने अनाउंस नहीं किया, बाकी जेमिनी एक्सचेंज पर भी ये लिस्ट होने जा रहा है, और ये सारे बड़े बड़े एक्सचेंज है दोस्तों, छोटे मोटे नहीं है कोई भी। अब चलते थोड़ा सा और नीचे, चलते हैं थोड़ा सा और। तो इतने सारे बड़े बड़े एक्सचेंजेस ने इसको इस एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो रहा है, और आगे चलकर ये मुझे होबी पर भी लिस्ट होता दिखाई दे रहा है, जैसा यहाँ पर इन्होंने इसको फॉलो भी किया हुआ है, क्योंकि उनको भी दिखाई दे रहा है जब इतने बड़े बड़े एक्सचेंजेस पर लिस्ट कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए ये, क्योंकि उनके यूजर पर किसी और प्लेटफॉर्म पर जाकर उसकी ट्रेडिंग ना करें। अब मैं चलता हूं आपको कि इस पर आपको कितना प्रॉफिट ले सकते हो, कितना आप इसको बाय सेल कर सकते हो। पहली बात तो OKX, FTX, चाहे आपका कूकॉइन, ठीक है, क्रैकन, जितने के भी आपको इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। FTX से मैं बाय करूँगा इसको, शाम को 6 बजे के आसपास इसकी ट्रेडिंग है। तो देखिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कितनी इसकी प्राइस की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, इसका जो प्राइस पहुँचने की उम्मीद है, कम से कम $1 से लेकर $2 तक पहुँचने की उम्मीद है, कम से कम भी, ये आसानी से जाना चाहिए, ठीक है। बट इतने सारे एक्सचेंजेस पर ये लिस्ट हो रहा है, और इसके साथ साथ अगर किसी और एक्सचेंजेस की भी अनाउंसमेंट आ गई, ठीक है, अगर जो पहले लिस्ट हो रहा उसके बाद अगर हर 2-2, 4-4 या 5-5 घंटे बाद, 1 दिन के बाद इसका अनाउंसमेंट आता रहा, तो फिर ये इसका प्राइस डंप नहीं होगा, ये पंप होता ही जाएगा। अब मेरी जो एक्सपेक्टेशन अभी फिलहाल रिसेंटली $1 से $2 तक तो मिनिमम से मिनिमम है, और इसका लिस्टिंग जो प्राइस होगा करीब करीब मेरी उम्मीद है $1 40 सेंट से लेकर और 75 सेंट, यानी कि अब 0.40 से लेकर 0.75 तक मेरी एक्सपेक्टेशन इसमें लिस्टिंग का प्राइस है, यानी कि हम आसानी से 50% से लेके और 200% तक कभी इंस्टेंट प्रॉफिट इसके अंदर अर्न कर सकते हैं। FTX से बाय कीजिए, आप करना चाहते हैं फंड ही इन्वेस्ट करिएगा जिसको आप खोने का दम रखते हो, ठीक है दोस्तों। मेरी एक्सपेक्टेशन $1 से $2 मिनिमम से मिनिमम मेरी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि काफ़ी वॉल्यूम आएगा इसके अंदर, काफ़ी सारे एक्सचेंज पर है, और अगर कुछ और एक्सचेंजेस ने अनाउंसमेंट कर दी, ठीक है, जैसे बाइनेंस ने, US ने तो कर दी, बाइनेंस हो गया, और भी काफ़ी बड़े जैसे कोइनबेस की तरफ से आ जाए, होबी की तरफ से भी आ जाए, कूकॉइन की तरफ से भी आ जाए, तो फिर हम इसको और भी अच्छा हुआ उड़ता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर शायद आपको 2 से लेकर आपका $5 तक भी आपको देखने को मिल जाए, ठीक है।
$5 बहुत बड़ी बात है, पर क्या आपको देखने को मिल जाए और आप उससे प्रॉफिट भी अर्न कर पाए। तो ये थी दोस्तों वीडियो, वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।